नमस्कार न्यूजगढ़ आसाम भिडिओ चेनेलट आपनक स्वागतम जानसो यह मुहूर्त जानसो आज सन्धियार कईबाटा गुरुत्वपूर्ण खबर आज से 24 जून समग्र भारत विभिन्न प्रानर एने खबर समूह नीटो चाय थम चेनेलट सबसक्राइब कर भिडिओत एटक लाइक कर आम उत्साहित एक नपहर गति आज खबर कटाल आग दर्शक यह मुहूर्त जानसो आज सन्धियार प्रथम खबर एक जरूरी खबर एट बिग ब्रेकिंग न्यूज क्यों राज्य बान सहाज्य आनबाई करुण मृत्यु सवरबलिया दर्शक एक जरूरी खबर क्यों बान सहाज्य आनबाई करुण मृत्यु सवरबलिया लोक दुजर बदरपुर संघटित भयंकर अघटन बान सहाज्य आनबाई मृत्यु सवरी लैसे दुजनक लोके लोक दुजर नाम शेखर चक्रवर्ती और चंदन पाल जानवरा गई और इतिम्य उद्धार कर शेखर चक्रवर्ती मृतदेह किंतु यह पर्यत चंदन पाल मृतदेह उद्धार कर सक्षम हुआ ना एस डी आर एफ बाहन बदरपुर दक्षिण माचली गाँव घर शेखर चक्रवर्ती और चंदन पाल घर कालीगंज बागबाड़ीत चंदन पाल सन्धान उद्धार अभियान अब्याहत आसे एस डी आर एफ बाहन आज आम परवर्ती खबर तो एक जरूरी खबर एक गुरुत्वपूर्ण खबर क्यों राज्य जो कईदिन मान धरी बानर जी हाहाकारमय परिस्थिति सृष्टि हे बान परिस्थिति एतियाओ अपरिवर्तन हो राज्य 108 जनक लोकर बानपानी फलते मृत्यु यार 30 खनक जिला और 45 लाखों अधिक लोक क्षतिग्रस्त बानपानी फलते बान परिस्थिति भयंकर और दुर्योग मुठ 108 जनक लोकर मृत्यु सम्मुखीन बृहस्पतिबार मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा शिलचर शहर आकाशी जरीप चलाय राज्यिक दुर्योग व्यवस्थापना बुलेटिन अनुसरी बानपानी फल क्षतिग्रस्त लोकर संख्या ह्रास पासे बानपानी फल 30 खनक जिलार प्राय 45.34 लाख लोक यह पर्यत क्षतिग्रस्त आन बुधबारे 32 खनक जिला बानपानी फल क्षतिग्रस्त लोकर संख्या 54.5 लाख देशर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहे केन्द्र बान परिस्थिति निरंतर निरीक्षण कर और प्रत्याहान सको सम्भव सहय आगे राज्य सरकार सहित घनिष्ठ काम बान पीड़ित अंचल समूह सेना और एन डी आर एफ दल उपस्थित आसे उद्धार अभियान चलाय क्षतिग्रस्त लोक सहयोग उद्धार अभियान अंश हिसाब से वायुसेन 250 खनतक अधिक विमान उड़ा मारिसे इफाले बृहस्पतिबार कासार और बरपेटा दुजनक बजाली धुबरी और तमुलपुर जिलार एजनक विमान प्राण हेरुवाइसे एतिया लैके 108 जनक लोकर मृत्यु खबर पा गई है। यह मुहूर्त जानसो आन एक गुरुत्वपूर्ण खबर एट बिग ब्रेकिंग न्यूज क्यों आगंतक 5 दिन धरी उत्तर पूबर कईबाखनो राज्य बरखुणर सम्भावना आए दर्शक राज्य जी बान परिस्थिति अनियंत्रण अवस्था आसे और हे बान परिस्थिति एटी अधिक शोचनीय हर सम्भावना आसे क्यों आगंतक 5 दिन उत्तर पूबर कईबाखनो राज्य प्रबल बरखुणर सम्भावना आसे सम्भावना प्रकाश कर बतर विज्ञान केन्द्र भारतीय बतर विज्ञान विभाग पूर्वानुमान अनुसरी देशर पूब अंश दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु धाराषार बरखुणर पीछे एतिया देशर पश्चिम अंश धाराषार बरखुण हर सम्भावना आसे बतर विभाग पूर्वानुमान अनुसरी कर्णाटक कोंकण और गोवा केरला और माहे और लक्षद्वीप वज्रपातर सहित अति धाराषार बरखुण हम पारे बतर विभागे
অহা পাঁচ দিনত মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰ, মাৰাঠৱাড়া, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ইয়ানাম, তেলেংগানা আৰু তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কৰাইকালত অতি ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। ভাৰতীয় বতৰ বিভাগৰ মতে বংগোপসাগৰৰ পৰা অহা পাঁচ দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ পূব আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া পূব ভাৰত আৰু উপ হিমালয় পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিমত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰৱৰ্তী পাঁচ দিনত উপ হিমালয়, পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ লগতে মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উপ হিমালয় পশ্চিমবংগতো 25-27 জুনত অধিক অতি ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আমাৰ শেষৰ খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা নচলিব ই ৰিক্সা, এতিয়াৰে পৰা নচলিব ই ৰিক্সা। ডেৰগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথত নচলিব এতিয়াৰে পৰা ই ৰিক্সা। ডেৰগাঁও পৌৰসভা কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে। এক সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো ই ৰিক্সা চালকে অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে চক্ৰ বিষয়া, জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু যান বাহন আৰক্ষী। অঞ্চলটোত ই ৰিক্সাই সৃষ্টি কৰা যানজঁটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় উক্ত বৈঠকত।